ओके okay. तो so, अभी तक आप लोग को मालूम है मैट्रिक्स का मतलब क्या है मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स राइट वेयर वी अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स तो मतलब डिटर्मिनेंट में क्या है इसमें भी रोज एंड कॉलम्स होता है लेकिन इस पर हम लोग वर्टिकल लाइंस का यूज़ करते हैं ठीक है द मेजर डिफरेंस बिटवीन दैम इज़ दैट ये एक मतलब क्या है अरेंजमेंट है इसका कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है इसका कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं होता लेकिन डिटर्मिनेट का हम लोग को हमेशा क्या मिलता है पार्टिकुलर वैल्यू मिलते हैं ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखो मैट्रिक्स का कोई भी साइज हो सकता है मतलब कोई भी ऑर्डर हो सकता है लेकिन एक डिटामिनेंट का हमेशा क्या होना पड़ेगा स्क्वायर ऑर्डर होना पड़ेगा इसका मतलब क्या है देयर आर इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए डिटामिनेट एक डिटामिनेट पे हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स और इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होना ही पड़ेगा और राइट ओके okay. <coughs> जैसे मैट्रिक्स में हम लोग को ऑर्डर मिला था उसी तरीके से हम लोग का डिटर्मिनेट का भी ऑर्डर है बात एक ही है द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इन ए डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिटामेंट तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कितना है दो रोज़ है दो कॉलम्स है दो रोज होने से ऑब्वियसली दो कॉलम्स होना पड़ेगा बाई डिफिनेशन ओके तीन रोज है मतलब तीन कॉलम है तो इसका साइज क्या है टू बाई टू ऑर्डर क्या है टू बाई टू इस ऑर्डर कितना है थ्री बाई थ्री हाँ तो अभी सिंस यहाँ पे मतलब देखो स्क्वायर ऑर्डर का होता है तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे इसको हम लोग बोलेंगे ऑफ ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू मतलब ये टू बाई टू हो रहा है एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री रेस्पेक्टिवली ऑल राइट ओके नाउ हम लोग आवर मेन टॉपिक इज एक्सपेंसन ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनंट्स ओके नेक्स्ट टॉपिक इज अवर एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग को डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना है मीस तोड़ना है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेकेंड ऑर्डर का हम लोग लेंगे तो देखो आप सेकंड ऑर्डर का मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया ठीक है तो जिसमें एलिमेंट क्या है रो वाइज ए वन बी वन सेकेंड रो क्या है ए टू बी टू तो हाउ टू एक्सपांड दिस डिटर्मिनेंट एक्सपांड का मतलब क्या है इसको हम लोग तोड़ के मतलब इसको वैल्यू निकालना है ठीक है तो एक्सपेंशन क्या है सिंपल है देखो टू बाय टू ऑर्डर का अगर हम लोग देखते हैं सिंपल है आप क्या करोगे डायगोनल आप लोग मल्टीफ्लाई कर दो ए वन इन ए वन इंटू बी टू तो ए वन इंटू बी टू माइनस ये आपका रूल है हमेशा माइनस आएगा क्या हो जाएगा माइनस ए टू इंटू बी वन माइनस ए टू इंटू बी वन तो सेकेंड ऑर्डर का डिटारमेंट कैसे तोड़ना है आपको क्लियर हो गया तो ए वन इंटू बी टू ए वन इंटू बी टू माइनस ए टू इंटू बी वन तो ये हो गया एक्सपांशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर हम लोग इसका एग्जाम्पल थोड़ी देर में करेंगे ओके नाउ हो एक्सपांशन ऑफ थर्ड ऑर्डर रिटायर्मेंट ये थोड़ा सा लेंदी है ठीक है ओके एक्सपांशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट तो मैंने और एक ले लिया जिसका ऑर्डर थ्री थ्री है ठीक है तो ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री ओके आप जब थ्री ऑर्डर का मींस ऑर्डर थ्री का जब आप डिटर्मिनेंट तोड़ोगे एक्सपांड करोगे आप कोई भी रो कोई भी रो ब कोई भी कॉलम के हिसाब से एक्सपांड कर सकते हो तो फॉर फॉर आवर आवर्स हम लोग का पहला है एक्सपांसन तो हम लोग सिर्फ सिंपली रो वन पे एक्सपांड कर रहे हैं तो एक्सपांडिंग अलोंग रो वन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे देखो डिटामिनेंट का आपका पोजिशन वाइज इलीमेंट का ऊपर एक साइन आ जाएगा ठीक है जैसे पहला एलिमेंट हमेशा प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस ठीक है तो प्लस माइनस प्लस फिर माइनस होगा तो इसके ऊपर हम डिटेल्स पे थोड़ा जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद तो पहला आपको याद रखना है पहला एलिमेंट हमेशा प्लस है नेक्स्ट एलिमेंट माइनस होगा नेक्स्ट एलिमेंट आपका प्लस होगा ठीक है ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप लोग कैसे एक्सपांड करेंगे तो बी वेरी केयरफुल तो पहले ए वन ले लिया ये एलिमेंट ले लिया ए वन ऑल राइट तो ए वन हम लोगों तो ने ले लिया तो ए वन ए वन जो जो रो पे है और एंड साथ में जो कॉलम पे है उसको छोड़ने के बाद जो डिटर्मिनेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा ठीक है तो ए वन मैंने लिख लिया यहाँ पे ए वन लिख लिया तो ए वन छोड़ने के बाद ये रो को आप छोड़ दो ए वन इधर पे है ना तो इस रो को छोड़ दो इस कॉलम को छोड़ दो तो क्या बच रहा है बी टू सी टू बी थ्री सी थ्री तो बी टू सी टू बी थ्री सी थ्री मैंने लिख लिया ठीक है फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है माइनस बी वन राइट तो माइनस बी वन में लिखा हूँ तो माइनस बी वन लिखने के बाद अभी ए एलिमेंट के बाद हो रहा है और राइट right? तो एलिमेंट पर आते ही अभी फॉरगेट अबाउट यू फॉरगेट अबाउट दिस कॉलम सो वाट इज लेफ्ट आउट ए टू सी टू ए थ्री सी थ्री तो ए टू सी टू ए थ्री सी थ्री फाइन अभी तीसरा एलिमेंट क्या है आपका सी वन है राइट right? तो मैंने सी वन लिख लिया आप सी वन लिखने के बाद ये फॉरगेट अबाउट दिस कॉलम फॉरगेट इज लेफ्ट आउट ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री राइट ना आप लोग को मालूम है ये टू बाई टू सेकेंड ऑर्डर का डिटामेंट हो गया अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने सीखा है सेकेंड ऑर्डर का डिटामेंट को कैसे तोड़ना है तो फार्दर आपको इसको तोड़ देना है सो तो आप लोग को ये मालूम होगा बिकॉज हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर का डिटामेंट को कैसे तोड़ना है हम लोगों ने सीख लिया तो बेसिकली आप हम लोगों ने क्या सीखा बेसिकली हम लोगों ने सीखा कैसे एक कैसे एक थ्री बाई थ्री ऑर्डर को डिटामेंट को तोड़ते हैं ठीक है अभी देखो प्लस माइनस प्लस जो है इसको हम लोग एक मतलब रूल पे आ जाता है उसका नाम क्या है सरस रूल इंपॉर्टेंट क्या है हम लोग का पोजिशन वाइज अगर आप देखो आपका पहला एलिमेंट हमेशा प्लस होता है नेक्स्ट एलिमेंट रोल माइनस देन प्लस देन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आप जैसे भी आओ हमेशा पकड़ लो ये एलिमेंट जैसे माइनस है ना अब जैसे भी आओ हमेशा माइनस ही आ जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस राइट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो आप अगर आप स्किप नहीं करते हो ओके तो आप लोगों का पोजिशन ऐसे हो जाएगा मतलब एलिमेंट का पोजीशन प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आप देखो इसका मतलब पोजिशन जो है सर एलिमेंट पोजिशन क्या है ए कौन सा रो पे है पहला रो पे है कौन सा कॉलम पे है पहला कॉलम पे है तो इसका पोजिशन क्या है वन कोमा वन राइट वन कोमा वन है ना पोजिशन एलिमेंट का पोजिशन क्या है वन कोमा वन तो वन प्लस वन कितना हो रहा है टू तो टू होने से इवन तो इवन होने से प्लस हो जाएगा इसका पोजिशन क्या है एलिमेंट का ए इसका एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ना ऑलरेडी मैट्रिक्स पर हमने पढ़ा है एलिमेंट का पोजिशन को कैसे लिखता है तो ये कौन सा रो पे है पहला रो सेकंड कॉलम तो ए वन टू तो वन प्लस टू कितना आ रहा है थ्री तो थ्री होने से क्या होने की है नेगेटिव ऑर्ड ऑड होने से नेगेटिव हो जाएगा अभी अगर इसका पोजिशन देखते तो एलिमेंट का कितना होगा ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो वन प्लस थ्री कितना रहा फोर फोर मीनस इवन तो इवन होने से प्लस तो उसी तरीके से डायरेक्टली हम लोग अभी तो एग्जाम पे टाइम नहीं रहेगा आपको इवेंट है ना ऑड है ऐसा देखते देखते आप अगर करते हो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा इसलिए आपको डायरेक्टली याद रख लेना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस स्टार्टिंग में आप याद रखना ये प्लस होगा बाकी आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा इंपॉर्टेंट नोट मैंने पे एक लिख दिया ए डिटर्मिनेंट मे बी एक्सपांडेड अलॉन्ग एनी रो और कॉलम एक डिटर्मिनेंट को हम लोग कोई भी रो या कोई भी कॉलम के हिसाब से एक्सपांड कर सकते हैं फाइन ओके जनरली वी एक्सपांड अभी इंपॉर्टेंट ये है जनरली वी एक्सपांड अलोंग रोज और कॉलम्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस तो जिस रो और कॉलम पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होगा हम लोग उसी रो या कॉलम के हिसाब से डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं क्यों करते हैं दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसलिए करते हैं ताकि कैलकुलेशन हम लोग का छोटा हो जाए कैलकुलेशन जितना जीरो रहेगा हम लोग का कैलकुलेशन उतना ही छोटा हो जाएगा हम लोग को जल्दी से कर पाएंगे ठीक है तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे एक डिटर्मिनेट लेते हैं Uh, पहला रो पर एलिमेंट क्या है थ्री माइनस टू टू सिक्स वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री टू राइट तो ये पहले मैंने एक डिटर्मिनट ले लिया अभी एक्सपांडिंग एलो रो वन तो रो वन के हिसाब से अगर एक्सपांड करता हूँ तो पहला एलिमेंट कितना है थ्री तो मैंने थ्री लिख लिया तो थ्री अभी इस रो पे है तो ई फॉरगेट अबाउट दिस रो ई फॉरगेट अबाउट दिस कॉलम तो क्या बचेगा वन माइनस वन माइनस थ्री टू तो वन माइनस वन माइनस थ्री टू नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम लोग रो वन पे एक्सपांड करा देख लो हाँ तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा माइनस हो जाएगा प्लस माइनस राइट right? तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस टू है तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस टू बन गया ठीक है ना समझ में आ आएगी ना बात को जो भी साइन रहेगा यहाँ पे उसको उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसमें ऑलरेडी माइनस टू है उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई बन से क्या हो जाएगा प्लस टू नाउ अभी ये जो एलिमेंट है यू फॉरगेट अबाउट दिस कॉलम यू फॉरगेट अबाउट दिस रो तो क्या बच रहा है सिक्स माइनस वन माइनस टू टू सिक्स माइनस वन माइनस टू टू प्लस लास्ट एलिमेंट क्या है टू टू को अगर आप इस कॉलम को छोड़ देते हो इस रो को छोड़ देते हो तो सिक्स वन माइनस टू माइनस थ्री तो सिक्स वन माइनस टू माइनस थ्री तो आपका थ्री रह रहा है तो वन इंटू टू इज टू माइनस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट राइट माइनस क्या होगा तो माइनस थ्री इंटू माइनस वन इज वाट प्लस थ्री तो साथ में माइनस थ्री का आ गया तो प्लस टू इंटू सिक्स इंटू टू इज ट्वेल्व माइनस एंड माइनस टू इंटू माइनस वन इज प्लस टू राइट प्लस टू इंटू सिक्स इंटू माइनस थ्री इज माइनस एटीन माइनस माइनस टू इं वन इस माइनस हो तो माइनस वन से क्या होगा प्लस टू होगा अल्टीमेटली वी एड एडेड यूल गेट अ वैलू एस माइनस फिफ्टीन अभी सेम क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं एक्सपांडिंग एलॉंग कॉलम टू के हिसाब से कर रहे हैं कॉलम टू के हिसाब से हम लोग एक्सपेंड करेंगे ये जो कॉलम टू दिखाई दे रहा है आपको कॉलम टू के हिसाब से एक्सपेंड कर रहा है मैंने आप क्या बोला था ये डिटर्मिनट मे बी एक्सपांडेडेड एलॉंग एनी रो और कॉलम आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम के हिसाब से एक्सपांड करो आपको हमेशा क्या मिलेगा वैल्यू आपको सेम मिलेगा ठीक है ना तो अगर मैं कॉलम टू के हिसाब से एक्सपांड करता हूँ देखो तो प्लस माइनस पहला एलिमेंट माइनस है फिर नेक्स्ट प्लस है फिर माइनस है ना तो पहला एलिमेंट माइनस है तो माइनस क्या बन जाएगा माइनस बन के माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस माइनस इंटू माइनस को क्या बन जाएगा प्लस तो प्लस टू हो गया तो प्लस टू आप ए कॉलम को भूल जाओ ए रो को भूल जाओ तो क्या हो रहा है सिक्स माइनस वन माइनस टू टू तो सिक्स माइनस वन माइनस टू टू प्लस सॉरी प्लस माइनस प्लस तो प्लस वन प्लस वन इंटू अभी फॉरगेट अबाउट दिस कॉलम यू फॉरगेट अबाउट दिस रो तो क्या बचेगा थ्री टू माइनस टू टू थ्री टू माइनस टू टू प्लस या फिर इस हिसाब से अगर देखो तो फिर से नेक्स्ट एलिमेंट क्या है माइनस तो ऑलरेडी आपका माइनस थ्री तो क्या बन जाएगा प्लस थ्री प्लस थ्री अगर आप फिर से भूल जाओ इसको इस रो को कॉलम को इस कॉलम को रो को तो क्या बन सह थ्री टू सिक्स माइनस वन थ्री टू सिक्स माइनस वन एगन विल कैलकुलेट गेट द वैल्यू एस माइनस फिफ्टीन तो आप जैसे भी करो आपका वैल्यू क्या आ रहा है माइनस फिफ्टीन रह रहा है आप कोई भी रो या कॉलम पे एक्सपांड करो यूल गेट द वैल्यूज माइनस फिफ्टीन ऑल राइट